माय गॉड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है। तो आप प्लीज इसको ट्राई जरूर करें इस हेयर केयर रूटीन को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं विक्टोरिया। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूं अपना पर्सनल हेयर केयर रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है इसे फॉलो करना, क्योंकि ये बने हैं नेचुरल होम इंग्रेडिएंट से, और जिनके बाल बहुत ज़्यादा रुके सूखे, बेजान, डैंड्रफ, ये स्कैल्प और स्लो हेयर ग्रोथ होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इसे जरूर फॉलो करें अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीक में एक बार इसको गार्लिक रेमेडीज उनको अप्लाई करना है, और बस फिर आप देख सकते हैं कितना फायदा हुआ है आपको। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो है सबसे पहले हम अपने हेयर स्कैल्प में स्क्रब करेंगे। तो उसे बनाने के लिए हमें एक बॉल चाहिए होगा, आप कैसे ही बॉल ले सकते हैं, मैं एक ग्लास का बॉल ले रही हूँ। और फिर चाहिए हमें खाने वाला सोडा, सिर्फ बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। और तो मैं इसको एक चम्मच ले लूँगी, यहाँ पर मैं एक चम्मच ले रही हूँ, आप देख ही सकते हैं, ऐसे मैं ऐड कर लूँगी। जैसे जो डैंडरफ होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो डैंडरफ नहीं रहेगा तो हमारा स्कैल्प भी ठीक हो जाएगा, खुजली नहीं होगी हमारे बालों में, जो खुजली होती है डर जब जाता है ना डैंडरफ हमारे स्कैल्प पर बैठ जाता है ना, तो उसी से हमें हमारे स्कैल्प ब्लीचिंग होती है। और जब ब्लीचिंग करते हैं तो पार्ट हेयर की जो रूट होती है ना वो कमजोर हो जाती है, उससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए फिर अब हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ 2 टेबल स्पून ही काफ़ी है कोकोनट ऑयल की, तो आप देख ही सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो इतनी ही कंसिस्टेंसी आपको ही रखनी है, इतना ही पतला बनाना है। सो चलिए अब लगाते हैं अपने स्कैल्प पे, मैं आपको बता देती हूँ कैसे अपने स्कैल्प लगाना है। पार्टीशन कर करके अपने स्कैल्प पे, तो फिंगर टिप से मैं इसको अप्लाई करूँगी, फिर यहाँ पर पार्टीशन कर लूँगी। अगर मैं आपको बता दूँ बिल्कुल हल्के हाथों से आपको स्कैल्प करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके हेयर वीकेज होगा, उससे आपका हेयर फॉल होगा। तो बिल्कुल स्लो हैंड से ही मसाज करें। मैंने अपने फिंगर टिप पर ले लिया है, मैं ये स्कैल्प ऐसे मसाज करना, हल्का हाथ उसे स्क्रब करना, वो डेड स्किन्स होंगी वो निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डैंडरफ भी निकल जाएगा उससे। ऐसे बहुत ज़्यादा आसान है ये बनाना, तो आप ट्राई करें, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है इसे करने से, उलझन नहीं है इन्हें फॉलो करना, आप भी कर सकते हैं ऐसा, या हमें अलग से टाइम निकालना है तब करना है। आप बस बनाने से पहले इसको बना लें और बस अप्लाई कर लें इसको हल्के हाथों से, अपने फिंगर टिप से ऐसे मसाज कर लें, 5 मिनट तक ऐसे मसाज कर लें, बस इतना ईजी है ना। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा मेरी तरह। और अगर आपके सिर में दर्द हो रहा होगा और तब भी इसको करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय फील होगा, और रिलैक्स भी करेंगे आप। बस 5 मिनट ही आपको अपने हेयर मसाज करना है, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा देर नहीं करना है। तो बस मेरा स्क्रब हो चुका है, इसका हमने कर लिया है, तो अब बनाएगा, अब आ गया हेयर मास्क की। तो चलिए हेयर मास्क भी बना के अप्लाई करते हैं अपने हेयर पर। अगर इसको 15 मिनट लगा के छोड़ने, तो मैं आपको बताती हूँ हेयर मास्क की रेमेडी। चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं बारी हेयर मास्क की, चलिए इसको बनाते हैं फटाफट से, अपने हेयर पर लगाते हैं। तो एक बॉल ले लिया है मैं, यहाँ पर ले लिया मेथीदाना पाउडर, तो गाइस मैं इसकी 2 चम्मच ले रही हूँ। और गाइस अब इसमें ऐड करेंगे दही, दही मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें और कुछ ऐड नहीं करना, बस दही नहीं और मेथीदाना पाउडर लेना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। मेथीदाना पाउडर तो आप घर पर ही बना सकते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा आसान है, नहीं तो आप बाजार से भी ले सकते हैं, बाजार में भी आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। मास्क बनकर रेडी हो चुका है, हम अप्लाई करेंगे अपने हेयर पर, तो चलिए फटाफट से इसको अप्लाई कर लेते हैं। उनका ड्राई है, सैनी नहीं है जिनके बालों में, ये मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई करें। वीक में 1 से 2 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मैं 1 वीक में 1 बार, आपके पास बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको 2 बार अप्लाई करें, 2 बार इसको लगाएं अपने हेयर पर, तो आप इसको 1 बार जरूर लगाएं। अपने बालों का, हमारे बालों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन की नीड पूरी हो जाती है हमारी हेयर की, और हाथों से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इससे अप्लाई, जैसे हम अपने बालों को कवर कर पाते हैं, बस इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, क्योंकि मैं आपको शेयर करूँगी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई रेमेडीज, चाहे वो हेयर की हो, फेस की हो, कोई भी हो, वो नेचुरली होंगी, कोई भी हार्मफुल नहीं होगी कोई भी रेमेडीज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट द बेल आइकन बटन। पहले से पूरा फिनिश हो गया है, मेरे वाला पूरा लग चुका है, मैं 1 घंटा रखूँगी, आप चाहे तो 1/2 घंटा भी रख सकते हैं, मैं इसको वॉश कर दूँगी शैम्पू से। गाइस मैं आपको बता दूँ हेयर मास्क से क्या फ़ायदा होता है, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और मैं सैन आ जाती हूँ, तब आपके हेयर सिल्की होंगे तो उलझेंगे नहीं, तो टूटेंगे नहीं, तो हेयर फॉल भी नहीं होगा ना। तो बाल को सिल्की करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर बस हेयर मास्क को जरूर अप्लाई करें, ये आपके हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करता है आपकी। अगर मैं आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद, तब अपना हेयर वॉश कर लूँगी और तब मैं आपको अपने हेयर का रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यार गाइस मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया है 1 घंटे बाद, अब मैं आपको इसमें कॉम्ब करके दिखाऊंगी, मैंने अपने हेयर में कॉम्ब नहीं किया है और ये हल्के हल्के से गिरे हैं, कॉम्ब करके दिखाती हूँ हेयर केयर रूटीन का क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो मुझे ऊपर से कॉम नहीं करें, मुझे नीचे की तरफ से कॉम करना स्टार्ट करें, ओह माय गॉड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट,
बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई जरूर करें इस हेयर केयर रूटीन को, और साथ साथ खूब पानी पिए और अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें। सो गाइस लेट मी शो यू इन सनलाइट माय हेयर, आप देख सकते हैं मेरी कितनी शाइनिंग है, मैं आपको डायरेक्ट सनलाइट में दिखा रही हूँ, एक बार में आपको ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाता है, आप देख ही सकते हैं इतनी शाइनिंग आ गई है। ये बहुत ज़्यादा सिल्की हो गई, तभी इसमें कोम नहीं उलझ रहा है, बाल सिल्की आएगा तो बिल्कुल भी हेयर फॉल वैसे भी नहीं होगा। और लाइक अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ सजेस्ट मी। बाय बाय।